व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत खिलाफ बयान देना मुइजू को पड़ा महंगा। ये तो होना ही था, और जो मैंने देखा था ना थोड़ा सा बयान, उसमें भी बहुत एटीट्यूड झलक रहा था, और खासकर चाइना के वहां मिलके आने के बाद। देखते पूरी वीडियो भैया, कोई ना, जबरदस्ती तो जबरदस्ती, और आज इतनी आंखें दिखा रहे हैं खुद गड़बड़ करके। देखते पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। वी मे बी स्मॉल बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। मुइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ, उसमें मुइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट आदम अजीम हैज वन द मेयरल इलेक्शंस इन माले and election results are being seen as a major setback for the Maldivian president. मैं समझता हूँ कि ये मालदीव की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी, कर रही है। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी ना सके कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव में इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है। यह पद अभी तक मुइजू के पास था, लेकिन मुइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मुइजू चीन की 5 दिवसीय राज की यात्रा के बाद शनिवार को माले लौटे। उन्होंने मालदीव लौटते कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मुइजू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद मुइजू को यह बयान काफी भारी पड़ा है। मोहम्मद मुइजू की पार्टी माले के मेयर के चुनाव हार गई है, और ये मालदीव राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। डेवलपमेंट हुई थी, और जब आई थिंक जो मालदीव के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे, और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुली किया किसने? तुम्हारे नेताओं ने गंद लिखा था। मैं समझता हूँ कि मालदीव की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे, और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी इश्योरेंसेस दिलाई। ये बगैर चाइना की इश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए आपको क्या लगता है दोस्तों, चाइना तो ऐसी पंप कर देगा? अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाही कोई नहीं है, और हम जो अपनी मर्जी करेंगे करें जरूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं, तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव हैज बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया।
कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने, जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से, इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से चाइना की बोल रहा है, ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाकया हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स, लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस, तभी इतना बोला है भाई, तो चाइना बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि 8 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर है। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव भी तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी के और 2 एक हेलीकॉप्टर थे, इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी उनकी हेल्प के लिए थे क्योंकि वहां पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ के लिए डिपेंड है, लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद अभी नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो जो इंडियन सरकार है वो, आप देखिए इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का अफ्तिताह भी करने जा रहे हैं 22 जनवरी। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या चीज हो। अच्छा, बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खासतौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव अवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट? हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है, ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हांकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सलूशन क्या है, इसका सलूशन सर वो एक एक एक, एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों ये चाइना ने किया है, नहीं चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है, नहीं फ्रांस ने किया है, नहीं, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा है, कॉपी करेंगे, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का, एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर आर्मी को समझते हैं सब कुछ, उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं आर्मी को सब, दिक्कत ही तो ये पाकिस्तान की, वो कुछ नहीं समझते। अगर कोई बिजली का बिल नहीं दे रहा ना तो वहाँ पुलिस नहीं जाएगी, वहाँ आर्मी वाले कूद जाएंगे, हर काम में आर्मी, हर काम, बाकी तो मुझे लगता है सिर्फ सरकारी वो है, वही सरकार है, वही उनकी मिलिट्री, वही उनकी आर्मी, वही उनकी पुलिस बनी हुई है, वही उनके ठेकेदार, वही उनके जो सुपारको है, जो इनका वो रिसर्च का सेंटर है, हर जगह वही। भाई देखो एक चीज, ये मालदीव अभी समझ नहीं रहा, मालदीव के बोल नहीं है ये, पीछे चाइना के बोल है, और चाइना ना, चाइना क्या करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर चाइना मालदीव से पहले तो पाकिस्तान का एकदम ऐसे सगे वाले हैं तो चाहता तो 2 दिन के अंदर अंदर पाक को इस कंडीशन से निकाल लेता है, आईएमएफ के आगे इतना नाचना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, और जो उनकी कंडीशन है आज भी, जो वहाँ के जो भाई पैसे मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता, और चाइना तो किसी का सगा नहीं है किसी का। सबसे बड़ी बात अभी इनको समझ नहीं आ रहा क्या नुकसान कर रहे हैं ये समझ रहे की इंडिया से टूरिज्म नहीं जाएगा, भैया इंडिया के इन्फ्लुएंस इतने बड़े लेवल पर है, बहुत चीजें चला गया जाएगा क्या, नहीं चला, अभी नहीं समझ रहे। अभी जो डेटा निकल के आएगा ना 3 महीने का 6 महीने में कितनी अब की बार इनकम ड्रॉप हुई है, कितने लोगों ने कम कर दिया है, हर एक चीज, तो धीरे धीरे पता लगेगा।
जुड़े रहो, आप लोग को पता लगेगा दोस्तों। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है जो बयान दिया है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत मेरे को लग रहा है। वो आरजे रोनक वाली वीडियो सही थी, सारी छपरी नेता ही है इनके यहाँ, पढ़े लिखे नहीं है इनके यहाँ पे। मूव भी बहुत गलत लिया इन्होंने आके, जिस कॉन्फिडेंस में इनने सोचा कि जैसे मोदी जी ने बिना बोले लक्षद्वीप जाके आ गए तो लोग समझ गए ये मालदीव के ऊपर सही तरीके, तो इसने सोचा बिना मोदी जी का नाम लिए हुए मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, कर ले भैया। हो सकता है तुम्हारे यहाँ लोग अनपढ़ गंवार हो, तुम्हारे लोग भी नहीं, लोग तो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम्हारे छपरी नेता है वो हो, लेकिन यहाँ सब समझते हैं। अरे इसने नहीं बोला, चाइना ने बोला ये करते हो करते, चाइना की बोला। देखो ना इतने से उसमें मोदी ने कुछ कहा थोड़ी है, वो आराम से गए लक्षद्वीप पे अपना टाइम स्पेंड कर गया सब कुछ, उसके लिए तुम्हें 5 दिन के लिए चाइना भागना पड़ गया कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतर। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो नॉर्मल लोग बोल रहे हैं नहीं जाएंगे, सिर्फ ट्विटर पे हैशटैग बॉयकॉट ये आया है, तब ये हो गया कि भाई 5 दिन चलो चलो चाइना चलो और बयानबाजी ये वो। बताओ कुछ थोड़ा बहुत 0.1% एक्शन लिया जाए तो तुम तो मतलब पहले ही डूब जाओगे। आपका क्या कहना दोस्तों बताएं जरूर, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।